दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ मैं। ये किस पे रहेगी, मोस्टली कई लोग परेशान होते हैं कि कौन सा ग्लास मंजे के लिए अच्छा होता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों कुछ मंजों में अलग तरीके के मैं ग्लास डलवाता हूँ, जिससे उसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है और उनका रिजल्ट अलग ही लेवल का होता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कि मैं अपने मांजों में क्या डलवाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कुछ चीज़ें पर्सनल भेजता हूँ मांजा बनवाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा मैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और फ्रेंड लोग हैं उनको पता चले कि दोस्तों क्या चीज़ डलवानी चाहिए मांजे के लिए, जिससे आपका मांजा अच्छा बने। मैं कोई जड़ी बूटी वगैरह नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ अपना ग्लास दिखाऊँगा कि मैं कौन से वाला उसमें कांच डलवाता हूँ। दोस्तों अपनी जो मांजे होते हैं वो मैं अपना जो भी मेरा मांजा बनता है मैं अपनी ओर से ही दोस्तों उनको ग्लास भेजता हूँ। जो मैं बोतल सिलेक्ट करके भेजता हूँ वही वाली वो डलवाता हूँ उनसे। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी बोतल डलवाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपनी बोतलें रखी हुई हैं, ठीक है, जो मैं मांजे में डलवाता हूँ। मैं अभी आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ कि कौन सी बोतल का क्या फ़ायदा होता है और ये कहाँ की होती है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाली बोतल है, आप इसकी तली देख रहे हैं कितनी मोटी है, इतनी मोटी है, ठीक है। ये यहाँ की बोतल नहीं है दोस्तों, ये देखिए जापान की है, ठीक है। मैं इस तरीके की जो ये वाली होती है दोस्तों, ये आपको ही मिले तो ये मांजे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इन वाली जो बोतल होती है, ये वाली देखिए आप, दो है मेरे पास अभी। अभी एक और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इस वाली बोतल का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इन मोटी बोतलों का, जो कि ये वाली पेंदे वाली है। और ये वाली भी देख लीजिए, ये भी इसका भी पेंदा देखिए आप कितना मोटा है, ये देख रहे हो दोस्तों इतना मोटा है। और इनका वजन काफ़ी है दोस्तों तीनों का। ये भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ की नहीं है दोस्तों, ये भी बाहर की है, ठीक है दोस्तों। इसका मैंने वो रैपर तो खैर फट गया है, ये भी बाहर की बोतल है दोस्तों, यहाँ की है नहीं। इनके मांजे की दोस्तों जो ये वाली, ये तीन बोतल है, ये एक, दो और ये तीन। इनके जो इनका जो शीशा होता है दोस्तों, जो मांजे में पड़ेगा उस मांजे की जल्दी से धार मरती नहीं है, और इसका जो शीशा जो बैठेगा वो जल्दी बैठ जाता मांजे के अंदर और लंबे टाइम तक एक जैसी धार रहती है। अगर आप डोर को देखोगे ना, इसकी डोर अलग ही बनती है, इस वाले गिलास की काफ़ी है, आप आवाज़ से देख लीजिए, काफ़ी मोटी बोतल है ये वाली। ये वाली जो है दोस्तों, ये भी मोटा शीशा है ये वाला, पर ये शैम्पिन की, ये भी बाहर की बोतल है, आप देख सकते हैं मंकी 47, ठीक है। ये यहाँ की बोतल है नहीं, इसका प्राइस भी देख लीजिए एक बार, दिखा देता हूँ और दिख गया तो, ये इसका प्राइस है। पर ये खाली है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हाँ मुझे कमेंट में बताइएगा आपके वहाँ कितने की मिलती है, फिर मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूँ ये बोतलें मैंने कितने की ली है। इसका जो है, इसका काम क्या है दोस्तों, ये जो है जैसे ये बोतल है, ये हल्की बोतल है, ये भी हल्की है थोड़ी, ये भारी है, ये भी भारी है दोस्तों, ये वाली बोतल, ये सारी भारी है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, ये आपने कई बार देखा होगा YouTube वगैरह में, वो भी दिखाते रहते हैं ये बोतलें, इंग्लैंड की बोतल दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड, ये वाली और ये वाली भी आपने देखी होगी, ये लंदन की है दोस्तों, ये वाली, ये तीन भारी है। इन तीनों की इन चारों को मैं मिक्स करवाता हूँ, मान लीजिए इनको मैं मिक्स करवा के तब डलवाऊँ, इनसे धार बहुत तेज़ होती है और इनकी धार मरती नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इनका ग्लास बहुत तेज़ होता है, इसका मतलब इसका ग्लास कड़क होता है थोड़ा, ग्लास बहुत तेज़ होता है इस वाली बोतल का भी, कई लोग यूज़ भी करते हैं, पर इसको कम डलवा के मैं ज़्यादा इसको डलवाता हूँ, मतलब ये थोड़ी सी तेज़ी हाथ में भी दिखेगी इसकी धार कि हाँ भाई कुछ डला हुआ है। और ये तो अपना काम अपने आप ही कर देता है, चाहे धार लगे आपको या ना लगे, ये गिलास ऐसा है, ये अपना काम अपने आप कर देता है। इसमें और इन तीनों में इनकी दोस्तों अलग ही बनती है धार, ये बोतलों की धार जल्दी से मरती नहीं है, आप कितने ही लंबे टाइम तक रखवा लीजिए ये वाली। जाहिर सी बात है, अब दोस्तों मैं इनको कुरियर करके भेजूँगा तो ये 5-6 किलो तो हो ही गई, मान के चलिए 4-5 बोतल, इतना वेट हो चुका है इनका, 1 किलो तो ये मान के चलिए इन दोनों का ही हो गया, ठीक है।
दो किलो इनका हो गया और ये 3 किलो वेट है, 3 किलो है दोस्तों, ये 3 मिला के 1 किलो हो गया, 3 किलो वेट है ये। तो इनको भी मैं कुरियर करके भेजूँगा सीधा बरेली, 2-3 लोगों के पास ही भेजता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा जब इनकी डोर बन के आएगी किस किस के पास से भेजा है दोस्तों मैंने। देख लीजिए आप लोग ये वाली है। अगर आप को भी दोस्त ऐसी बोतलें मिलती हैं जो अपने पतंग वाले भाई हैं मांझे वाले, तो रख लीजिए दोस्तों, बहुत काम की चीज़ें मिलती हैं ये वाली। और दोस्तों एक चीज़ और, अभी ये सुरेश भाई का जो जैन भाई ने भेजा था 9 कोड है उनका, ठीक है दोस्तों, इसका रिव्यू देना बाकी आप लोगों को, ठीक है, आपको ही पता है इसका। देखिए मसाला तो बिल्कुल नहीं उतरता है, अभी इसको मैं धूप में रखूँगा 4-5 दिन, क्योंकि अभी है ना जो इसमें कुछ मटेरियल ऐसा है वो अभी चिपक रहा है। देखिए मसाला तो बिल्कुल नहीं उतरेगा दोस्तों इसका, कितना भी रगड़ लेना, ये चीज़ मैंने पहले भी दिखाई थी आप लोगों को, पर इसका मकर संक्रांति पे रिजल्ट तो रहा नहीं था दोस्तों इस वाले का ज़्यादा, वो दूसरा था दोस्तों। ये 9 कोड है, तो इस 9 कोड को 9 कोड से ही ट्राई करके देखेंगे दोस्तों इस वाले का, ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। ये ग्लास की सारी बोतलें रखी हैं, देख लीजिए, और जल्द ही दोस्तों इनका मांझा बन के आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं ओरिजिनल चीज़ें बताता रहूँगा दोस्तों, जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो और पता चल जाए कि भाई क्या चीज़ डलवानी चाहिए, किससे क्या अच्छा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी मार्च में अपने मांझे तैयार करवाऊँगा, अभी फरवरी के मौसम में भी होंगे तैयार दोस्तों, ये मौसम बहुत अच्छा आ रखा है, दोपहर के टाइम में धूप है, सुबह और शाम के टाइम में ठंडक है, तो इस टाइम में मांझा अलग ही लेवल का बनता है। तो शायद क्या पता मैं 15 अगस्त के लिए एक दो और आइटम मैं नया बनवा दूँ दोस्तों आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, कोई भाई कहेगा तो मैं क्या पता उनके लिए भी बनवा दूँ। तो मोस्टली दोस्तों जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही नई वीडियो आप लोगों के मैं लेके आता रहूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।